हाय दोस्तों, कैसे हो? दिस इज अंकुश हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे बजाज फिनसर्व का डिजिटल हेल्थ ईएमआई कार्ड, इस चीज का आप यूज कर सकते हो अपने हॉस्पिटल के खर्चे पे करने के लिए। और ये जो खर्चे जब आप पे करोगे तो आप इसे नो कॉस्ट ईएमआई में आप उनको पे कर सकते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, विच मीन्स 0% इंटरेस्ट। आप इसे अप टू 24 मंथ्स तक आप इस नो कॉस्ट ईएमआई को पे कर सकते हो। एंड इस कार्ड पे आपको लिमिट मिलती है ऑलमोस्ट 4 लाख की। तो ये जो इसके जो मेन जो चीजें हैं वो तो मैंने आपको अभी बता दी है। अब ये एग्जैक्टली आप कैसे कर सकते हो, आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो, इस कार्ड के और एडिशनल फीचर्स क्या है, वो हम सारी चीजें देख लेते हैं इस वीडियो में। मैं तो आपको ये कहूंगा दोस्तों कि आज जैसा पीरियड चल रहा है, अभी तो फिलहाल हम सब लॉकडाउन में है, पर इसके आगे चलते अगर हमें कभी भी हमारे हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस को पे करने के लिए अगर आपको एक ऐसा कोई ऑप्शन चाहिए कि जिसमें आप ईएमआई पे उसको रीपे कर पाओ, देन डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। आई गेस दिस इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल राइट नाउ, क्योंकि मैंने जितनी रिसर्च की तो मुझे आज तक कहीं पे भी कोई ऐसी चीज नहीं मिली कि यार अगर मेरे हॉस्पिटल के कोई खर्चे हो जाते हैं तो मैं उसे ईएमआई पे कैसे रीपे करूं। सो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि बजाज फिनसर्व ने जैसे कि यहां पर मेंशन किया है कि इनके पास 5,500 प्लस पार्टनर्स है ऑल ओवर इंडिया कि जिस जहां पे आप इस कार्ड को यूज कर सकते हो। सो बेसिकली आप इससे काफी सारे अच्छे हॉस्पिटल्स में आप इसे यूज कर सकते हो। और चलो अब हम इसके फीचर्स को वन बाय वन देख लेते हैं। सो सबसे पहली बात, ये जो कार्ड है दिस इज अ डिजिटल कार्ड विद इंस्टेंट एक्टिवेशन। तो इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आप ऑलरेडी एलिजिबल हो तो आपको जो मैंने नीचे जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी आप उस पर क्लिक कर दो। अगर आप ऑलरेडी एलिजिबल हो, आप अपना मोबाइल नंबर जैसे सबमिट करोगे तो फिर उसके बाद आपको ओटीपी आ जाएगा एंड देन आपको वगैरह जो जो भी सारे जो प्रोसेस है वो आपको वहीं पे ऑनलाइन हो जाएंगे। और ये कार्ड एक डिजिटल कार्ड है तो ये तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट फीचर है कि अवेल ईएमआईज एनीवेयर। सो बेसिकली आप इस कार्ड का यूज मल्टी स्पेशलिटी सेंटर्स पे कर सकते हो, हॉस्पिटल्स में कर सकते हो, फार्मेसीज में कर सकते हो, जहां पे भी जो बाकी के जो सेंटर्स होते हैं जैसे कि सोनोग्राफी सेंटर्स हो गए या ये सारी चीजें, वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो। बेसिकली इनके पास काफी अच्छी और काफी बड़ी पार्टनरशिप्स है। तो अब यूं समझ लो कि अगर कहीं पे भी आपको मेडिसिन से रिलेटेड खर्चा करने की बात आती है तो आप इस कार्ड का यूज कर सकते हो। इसका नेक्स्ट फीचर है दैट इट इज अ सिंगल कार्ड फॉर द होल फैमिली। तो आपकी जो पूरी जो फैमिली है, फॉर एग्जाम्पल आप हो गए, आपकी स्पाउस, आपके पार्टनर, देन आपके बच्चे, देन आपके पेरेंट्स, तो आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सारे लोग इस कार्ड का यूज कर सकते हो। देन इसका नेक्स्ट फीचर है फ्लेक्सिबल टेनोर। सो फ्लेक्सिबल टेनोर में कैसा है कि अगर आपका जो भी खर्चा आता है, सो नाउ फॉर एग्जांपल कि आपको किसी हॉस्पिटल का आपका खर्चा आ गया 50,000 रुपीज का, अब उस 50,000 के खर्चे को अगर आपको अभी ऐसा लगता है कि आपको एक थोड़ा बड़ा टेनोर चाहिए तो आप अप टू 24 मंथ्स तक जो भी टेनोर चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन आप उसे उसी तरीके से आप रीपे कर सकते हो नो कॉस्ट ईएमआई एंड 0% इंटरेस्ट पे। इसमें काफी सारी एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी अवेलेबल आएगी और आपको मिलती रहेगी, जो अभी आप स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो, जैसे कि मेडलाइफ पे कोई ऑफर आ गई, अपोलो फार्मेसी पे कोई भी ऑफर आ गई, तो ये सारी के सारी ऑफर्स का भी आप फायदा उठा सकते हो। आपको 10, 20, 30 जो भी परसेंट अवेलेबल है, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये सारी चीजें लिखी ही है, तो ये भी आपको मिलते रहेगी ताकि आपको आपकी दवाइयों के खर्चों में भी और ज्यादा राहत मिलती रहे। सो दोस्तों, इस कार्ड में जितने भी ट्रीटमेंट्स कवर है वो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये तो सिर्फ एक ब्रीफ व्यू है, क्योंकि मैं आगे चल के आपको ये वीडियो में ये भी बताने वाला हूं कि इसकी लिस्ट ऑफ एग्जॉस्टिव लिस्ट जो इन्होंने एटलीस्ट दी है वो क्या क्या कवर करती है। एंड इसमें जैसे कि आप देख सकते हो, आपको इसमें जनरल ट्रीटमेंट्स के भी सारे कवर, हॉस्पिटलाइजेशन, फार्मेसी बिल्स, एंड सबसे मेन चीज आपको इसमें डेंटल पे भी आपको ये कवर मिलता है। कवर मतलब ये कि आपके जो भी खर्चे हो गए दांत के भी, वो भी आप नो कॉस्ट ईएमआई 0% इंटरेस्ट पे आप उन्हें रीपे कर सकते हो। सो दोस्तों, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये सारी की सारी जो ट्रीटमेंट्स है ये इसमें कवर है और ये काफी लंबी लिस्ट है। फिर भी मैं ये आपको वीडियो में इसीलिए बता रहा हूं ताकि ये वीडियो देखते वक्त ही आपको पता चल जाए कि इस कार्ड में कितनी सारी ट्रीटमेंट्स कवर्ड है। एंड दिस इज ऑलमोस्ट लाइक एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। आई मीन दोस्तों, ये इतनी सारी चीजों को कवर करता है ना कि आपको ऐसा लगेगा कि यार अगर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम नहीं भी है कहीं ना कहीं, तो आप इस कार्ड का यूज करके आप अपने खर्चों को एटलीस्ट उन ईएमआईज में कन्वर्ट करके आप खुद पे आने वाले प्रेशर को एक हद तक हैंडल कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, अब बात करें इस कार्ड के वैलिडिटी की।
तो जैसे कि इस कार्ड का फोटो शो करता है, दिस इसकी जो वैलिडिटी है ये कुछ हमारे डेबिट और क्रेडिट कार्ड जैसी ही होगी, कि जहां पे इसके ऊपर ही एक्सपायरी डेट लिख के आ जाती है कार्ड पे, तो आप तब तक इस कार्ड का ऑब्वियसली आप यूज कर सकते हो। सो दोस्तों, आई होप सो कि ये जो अपडेटेड वीडियो है जो बजाज हेल्थ EMI कार्ड पे, ये काफी आपको इसने हेल्प किया, आपको काफी सारी इसमें इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, इस कार्ड के लिए अप्लाई करो एंड इसका यूज करो, क्योंकि लाइफ में अगर कभी टफ टाइम्स आ गए और उन टफ टाइम्स में हमेशा हमारे पास जो पैसों की जो कमी होती है वो कभी बीच में नहीं आनी चाहिए, कि हमारे किसी रिलेटिव का, हमारे फैमिली मेंबर का बेसिकली अगर हमें कोई ट्रीटमेंट कैरी ऑन करना है, तो उस वक्त अगर आपके पास ना ही कोई मेडिक्लेम है या मेडिक्लेम है और वो इनफ नहीं है, तो ये जो कार्ड है ये आपको काफी हेल्प कर सकता है। जेन्युइनली ये कार्ड आपको काफी हेल्प कर सकता है। तो आप बस इस कार्ड के लिए आप देख लो कि आप कैसे आप एलिजिबल हो। अगर हो तो आई वुड रिकमेंड यू वन थिंग कि आप इसके लिए अप्लाई कर लो और आप स्ट्रेट अवे इस कार्ड को एक्टिवेट करवा लो, ताकि कभी भी अगर लाइफ में ऐसे टाइम्स आते हैं तो यू कैन ऑलवेज यूज दिस। एंड आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताना कि इस वीडियो ने आपको आपके हर एक क्वेश्चन के आंसर दिए या नहीं, और अगर और कुछ ऐसा बाकी रह जाता है तो आप मुझे बताइए। अच्छा, और एक चीज दोस्तों, मैंने जो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है इसके एंड में मैंने इस कार्ड को अप्लाई करने की लिंक, इस कार्ड के फीचर्स के लिंक और इस कार्ड के FAQs, ये सारी चीजों की लिंक मैंने नीचे दे दी है, ताकि आप इसकी और ज्यादा डिटेल्स चेक कर लो। एंड इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, हर किसी के साथ शेयर करो, बिकॉज दिस इज समथिंग विच कैन रियली कम हैंडी इन दोज इमरजेंसी सिचुएशंस, जब हमारे पास एक पैसों की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो और ऐसी कोई सिचुएशन आके खड़ी रह जाए। सो दोस्तों, अब हम मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।